और ये गठबंधन का विजय है। हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूं, शब्द अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। और मैं आज देशवासियों को यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं, यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि कसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इसे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है, इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4th टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है, वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड, शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम में कह सकता हूं, इन लोगों ने जिस बीज को बोया था वो आज
भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वट वृक्ष बना दिया है।